दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हुंडई की i20 गाड़ी है, 2010 मॉडल। दोस्तों, ये गाड़ी 2-3 गैरेज में जाके आई है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम अलग ही है और वो मैकेनिक ये प्रॉब्लम अलग ही जगह ढूंढने लगे थे। इन लोगों ने फ्यूल पंप का वायर उखाड़ दी चेक करने के लिए, सब रिले चेक किए, वायरिंग पूरा छान मार लिया, फिर भी इनको फॉल्ट नहीं मिली। तो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ कि इस गाड़ी में फॉल्ट क्या है। इधर देखो, मैं इग्निशन चावी ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद तुरंत ही क्लस्टर में इंजन और ई मोबिलाइजर सिंबल दोनों आने चाहिए। तो आप समझ लो कि आपका ECM जो है वो काम कर रहा है। अगर ये दोनों लाइट नहीं आते हैं तो आपका ECM काम नहीं करता है। आप अभी इधर देखो, इन दो जगह में ECM और ई मोबिलाइजर की चावी की लाइट आती है। ई मोबिलाइजर चावी की लाइट आती है और कुछ सेकंड के बाद वो चली जाती है, ये नॉर्मल है इस गाड़ी का। और जो इंजन सिंबल जो है वो हमेशा रहना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद दोनों चले जाते हैं। लेकिन इधर क्या है, चावी डालते इग्निशन आप ऑन करते हैं तो दोनों इंडिकेटर नहीं आते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका इंजन मॉड्यूल जो है, कंट्रोल इंजन मॉड्यूल है, वो काम नहीं करता है। इसमें बड़ी पैनिक होने की बात नहीं है, आपने समझना चाहिए। लेकिन इस ओनर को कुछ मालूम नहीं था और जो इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक लोगों को जिसको दिखाया उनको भी मालूम नहीं है कि ये फॉल्ट होता है क्या। अगर आपके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप पहला दोनों इंडिकेटर देखो क्लस्टर में, अगर ये इंडिकेटर नहीं जलते तो आप समझ जाओ कि आपका ECM ख़राब है। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और उसके पास जाओ जो ये काम जानता है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैंने डायरेक्टली ECM निकाल दिया और अभी ट्राई करते हैं इसको रिपेयर करने की। इसका एक कवर जो है इसको निकाल देते हैं पहला। इसके लिए इसको हीट करना पड़ेगा, हीट गन से चारों तरफ हीट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्लोली इस कवर को निकालना होता है, बड़ी सावधानी से। गर्म इतना भी नहीं करना चाहिए कि अंदर के कंपोनेंट जो है ख़राब ना हो जाए। और इस टूल का भी इस्तेमाल करूँगा खोलने के लिए, थोड़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ ECM खोल दिया और ये सब टूल मुझे इस्तेमाल करने पड़े खोलने के लिए। ECM को सिलिकॉन से सील किया जाता है और ये सिलिकॉन बहुत ही हार्ड हो जाता है, बाद में खोलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अभी ECM रिपेयर करने की ट्राई करते हैं। यहाँ रिपेयरिंग चालू है। यहाँ ECM रिपेयर हो चुका है। अभी गाड़ी को लगा के टेस्ट करते हैं सील करने से पहले, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। यहाँ मैं की डालता हूँ इग्निशन स्विच में और अभी क्लस्टर में देखो, दोनों इंडिकेटर आ गए, इंजन इंडिकेटर और ई मोबिलाइजर चावी का। अभी गाड़ी स्टार्ट होनी ही चाहिए, देखो हो गई। अभी मैं गाड़ी को एक 20 मिनट तक चालू रखूँगा जब तक रेडिएटर का फैन चालू ना हो जाए। ये देखना ज़रूरी है क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ और रेडिएटर फैन चालू नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। ये सब चेक करने के बाद ही मैं
एक बार स्कैन करूंगा, फॉल्ट कोड कुछ है चेक करूंगा और उसके बाद में ही ECM सील हो जाएगा। और यहाँ देखो फैन चालू हो गया नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद। अब ECM को सील कर देंगे सिलिकॉन से। ECM सील हो गया सिलिकॉन से, अब गाड़ी में इसको लगा देते हैं। ECM लग गया गाड़ी में, अब गाड़ी तैयार है कस्टमर को देने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।